पर जो अभी अभी आपने देखा हुआ है, तो इसको मैंने इस एलईडी बल्ब से बनाया हुआ, मतलब ख़राब एलईडी बल्ब से बनाया हुआ है, जो कि चार्जर या फिर बैटरी से आसानी से चल जाता है, मतलब कि मोबाइल वाला चार्जर हो और या फिर कोई मोबाइल की बैटरी हो तो उससे आसानी से आप जला सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास ख़राब एलईडी बल्ब है, तो इसको मैं ऐसे करके खोल लेता हूँ। उसको खोलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका मशीन वशीन मैंने निकाल लिया है, तो आपको भी मशीन निकाल लेना है। और यहाँ पर इसका मशीन निकालने के बाद चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको 5 वोल्ट का कैसे बनाना होगा। तो इसको 5 वोल्ट का बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक प्लेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि 5 वोल्ट से आपकी जल जाती है बैटरी या फिर चार्जर, किसी से भी आसानी से इसको आप जला सकते हो। तो चलो मैं इसके अंदर इस प्लेट को फिट करने वाला हूँ, तो चलो मैं इसको प्लेट को फिट करके और आपको बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट को मैंने फिट कर दिया है, तो जो रेड वाला कलर का, मतलब कोई भी आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो, क्योंकि बाहर पता तो चलेगा नहीं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। तो यहाँ पर आप कोई सा भी इसमें एक एक तार आपको यहाँ पर दोनों कनेक्शन कर देना। चलो मैं इसको फटाफट से जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट पर मैंने कनेक्शन कर लिया है, दोनों तारों को यहाँ पर जोड़ लिया है। तो बाहर जो यहाँ पर V20 कैप पर यहाँ पर जो तार निकलते हैं, दोनों पॉइंट निकलते हैं, तो इस पर आपको चार्जर या फिर बैटरी का करंट देना होगा। तो ये आसानी से आपको बिल्कुल एलईडी बल्ब ही के जैसे ही जलेगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बैटरी या फिर चार्जर से आप इसको आसानी से जला सकते हो। चलो मैं इसको जला करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो चार्जर के तार यहाँ पर मैं यहाँ पर इसमें दोनों में जोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखना होगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। तो ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस मैंने दोनों आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, कितना तेज़ी से, मतलब जितना लाइट से जलता है उतना ही तेज यहाँ पर भी जल रहा है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक बल्ब एकदम जल रहा है, मतलब जितना आपका लाइट से जलता है उसी तरह ये भी प्लेट जल रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप चार्जर या फिर बैटरी से भी जला सकते हो। लाइट भी नहीं होगी तो बैटरी पर जोड़कर आप आसानी से उसको जला सकते हो और कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, आपका एक्सपेरिमेंट जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस तरह का आप भी आसानी से घर में बना सकते हो। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।